Good morning, friends. As we know that Chanakya IAS Academy is dedicatedly for UPSC Civil Services examination and how we are different from others, you can understand with this very, very small lecture. And the lecture is based on climatology. Yes, हम सबको पता है कि हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है और क्लाइमेटोलॉजी के साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर होता है उसमें इसमें सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड फाइनली देयर इज एक्सोस्फेयर होता है. लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया. रिसेंटली ये न्यूज़ देखा गया है कि कर्मन लाइन का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनली इशू बन चुका है क्योंकि वहाँ पर सेटेलाइट होता है लैंड. तो जनरली यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मन लाइन. लेट्स आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग वे. कर्मन लाइन इज नॉट अ रॉकेट साइंस. इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री दैट सेपरेट्स अर्थ एटमोसफेयर फ्रॉम स्पेस. होता क्या है कि यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो यू स्टडी इंटायरली बट यू जस्ट स्किप द स्मॉल थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू टुडे. मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग ये जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इस लेक्चर छोटा सा लेक्चर का मकसद ये है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी उन हर छोटे चीज़ों पे भी ध्यान रखता है जो आपको आईएएस बनने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. सच अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सच अ वेरी ट्रिकी इन्फॉर्मेशन वी प्रोवाइड इन अवर क्लासेस. लेट्स ज्वाइन चाणक्य आईएएस एकेडमी एंड क्रैक यूपीएससी.